जो ढूंढने को जमाने में वफा निकला पता चला वर्ड का पता निकला कैसे हो आप सभी आज हमारे सेशन में ऑफ वर्ड की बात करनी है ये हमारा लेक्चर आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने इस सेशन का किया होगा बेसब्री से इंतजार वैसे तो आप हर सेशन का इंतजार करते हैं मेरे पास मैसेज आते रहते हैं आपके कि सर सेशन डिले हो गया है लेट हो गया है थैंक यू सो मच आप इतना प्यार दिखाते हैं इतनी सपोर्ट करते हैं, ये ही मेरे लिए एनर्जी है सिलसिला यू ही हाजिर हो जाता। हमारी का चलता रहेगा जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है उसके बाद भी यार वन शॉट वीडियोस और काफी सारे प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लाता रहूंगा बस आप यूं ही सपोर्ट करते रहें और जोई करते रहे लेक्चर्स को अटेंड करते रहे टाइम टू टाइम और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है जल्द ही मैं कंटेंट यानी मटेरियल आपके लिए लाने वाला हूं आपको डीपीपीज और मॉड्यूल मिलने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप पर अगर यार आपने हमारे प्यारे से टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका कंटेंट मिस ना हो मॉड्यूल और डीपीपीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है फ्री एजुकेशन को अपने को सपोर्ट करना है और इसमें आप अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है ये जर्नी हमारे लिए बेहद आसान रहेगी अभी तक आपने खूब सारा सपोर्ट किया है उसके लिए बच्चा पार्टी दिल से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ तो यार क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल ताकि आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल पाए रसायन लीला अपने टेलीग्राम चैनल का नेम है तो यार इसे ना भूले इसे जल्दी से ज्वाइन कर लें रसायन लीला रसायन लीला अपनी लीला रसायन लीला ठीक है जी और इसके अलावा यार टेलीग्राम ग्रुप भी है अपने वाईटी चैनल के नेम से ही टेलीग्राम ग्रुप है केमिस्ट्री केमिस्ट्री और ऑफिशियल यूज करना इसके साथ ना भूलें साथ में ऑफिशियल भी है ठीक है जी आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाएंगे सभी लेक्चर्स की पूरी जानकारी आपको टाइम टाइम टू मिलती रहेगी तो करें स्टार्ट के सेशन को तो चलिए यार आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए लिमिटिंग रेडियस रेशियो के कॉन्सेप्ट से लिमिटिंग रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है आइए इसकी बात करें लास्ट सेशन में हमने बात की थी वर्ड्स के टाइप की याद होगा आपको हमने ट्रायंगुलर वोइड की बात की थी हमने बात की थी सबसे पहले ट्रायंगुलर वोइड की उसके बाद टेट्राहेड्रल वोइड की बात की थी टेट्राहेड्रल वोइड की बात की थी फिर हमने वोइड की बात की थी ओक्टाहेड्रल वोइड की बात की थी और लास्ट में क्यूबिक वोइड की बात हुई थी याद है आपको याद होगा आई होप आपको सब कुछ याद होगा डिटेल में हमने डिस्कस किया था वर्ड के इन चारों ही टाइप को अब देख लीजिए एक बार फिर से ट्रायंगुलर वर्ड कब मिलता है इस प्रकार से एटम्स और स्फीयर्स कॉन्टेक्ट में हो तीन कॉन्टेक्ट में हो तो ये देखिए ये जो वर्ड खाली जगह आपको नजर आ रही है ये क्या है ये ट्रायंगुलर वर्ड है इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर चुके हैं अगर यहां पर स्मॉलर एटम और आयन वोइड में प्रेजेंट हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा उसका तीन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है जी आर प्लस बाय आर माइनस आर प्लस बाय आर माइनस और स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की भी बात की जा चुकी है 0.155 होगा क्या आपने याद कर लिया है नहीं याद किया है तो जल्दी से यार याद कर लीजिए ठीक है टेट्राहेड्रल वोइड के केस में क्या होगा देखिए सबसे पहले बात की जाएगी टेट्राहेड्रल वर्ड कब मिलता है तीन ऐसे कॉन्टेक्ट में हो और एक को यार ऊपर से प्लेस कर दिया जाए एक यहां हो एक ऐसे हो अब जो वर्ड मिल रहा होगा ये होगा टेट्राहेड्रल वर्ड इस केस में कितने स्फीयर्स कॉन्टेक्ट में है चार कॉन्टेक्ट में है अगर हम इस खाली जगह में एक स्मॉलर स्फीयर और आयन को प्लेस करें एटम को प्लेस करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा ये कितने और एटम के, के साथ कांटेक्ट बना रहा होगा कितने नंबर ऑफ एटम्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट uh, में होगा मुझे लगता है चार के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा कोर्डिनेशन नंबर फोर होगा ठीक है जी रेडियस रेशियो क्या होगा आर प्लस बाय आर माइनस क्या होगा इसके लिए या फिर स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इसके लिए कितना होगा 0.225 होगा आई होप आपको याद आया होगा देखिए टेट्राहेड्रल के बाद बात होगी की। कब बनेगा इस प्रकार से? एटम्स और स्फीयर्स की अरेंजमेंट हो एक ऊपर से प्लेस्ड हो और यार एक नीचे से प्लेस्ड हो तब ओक्ता वॉइड मिल रहा होगा ये जो तो खाली जगह होगी यहां बीच में ये देखिए आप देख सकते हैं ये किसको इंडिकेट कर रही होगी ये वोइड होगा इसको इंडिकेट कर रही होगी अगर यहां पे स्मॉलर स्फीयर और एटम को प्लेस करते हैं तो क्या होगा यहां पर स्मॉलर स्फीयर और एटम को प्लेस करने पर वह स्मॉलर एटम स्फीयर और आयन कितने और नेबरिंग एटम्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होगा एक ऊपर एटम है एक नीचे है इनके साथ कांटेक्ट में होगा और चार इनके साथ कांटेक्ट में होगा ठीक चार एटम ऐसे इनके साथ भी कांटेक्ट में होगा टोटल इस प्रकार से अगर 6 एटम्स से इन के से उक्ता मिल रहा है, तो इन सभी के साथ में है, तो तो सभी साथ में में होगा होगा और जो कि आपने किया कितना हो जाएगा यार? क्या होगा आर प्लस बाय आर माइनस ऐसे केस में ऐसे हालात में जीरो पॉइंट फोर वन फोर होगा इसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी की जा चुकी है क्यूबिक वर्ड के केस में क्या होगा देखिए ऐसी अरेंजमेंट होगी क्यूब के कॉर्नर्स पर इस प्रकार से एटम्स को प्लेस किया गया है फोर कॉर्नर्स ऊपर हैं फोर नीचे हैं तो इस प्रकार से फोर स्पीय ऊपर होंगे फोर एटम्स ऊपर होंगे और फोर नीचे इस प्रकार से कॉन्टेक्ट में होंगे और बीच में खाली जगह होगी यहां आपको मिल रहा होगा क्यूबिक वर्ड क्यूब के बॉडी सेंटर को हम बोलेंगे क्यूबिक वर्ड की लोकेशन है खाली जगह होगी उम्मीद है हाँ आपने लास्ट सेशन में इसे भी विजुलाइज कर लिया होगा अब देखिए यार कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा चार ये चार ये कितने कॉन्टेक्ट में होंगे एट में होंगे तो यार कोऑर्डिनेशन नंबर एट होगा वे मोलर एटम और आयन जो कि वोर्ड में प्लेस्ड है इसके साथ देखिए चार ऊपर से कॉन्टेक्ट में होंगे और चार नीचे से कॉन्टेक्ट में होंगे तो इसका यार क्या हो जाएगा कॉर्डिनेशन नंबर कितने कॉन्टेक्ट में है देखिए चार ऊपर से कॉन्टेक्ट में है चार नीचे से कॉन्टेक्ट में है तो यार इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन नंबर एट हो जाएगा क्लियर है आर प्लस बाय आर माइनस आर प्लस बाय आर माइनस आर प्लस बाय आर माइनस और स्मॉल आर बाय कैपिटल आर कितना होगा जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू होगा इसकी कैलकुलेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं याद होगा आपको चलिए यार इतना सब कुछ तो आपने लास्ट सेशन में भी देख लिया था तो हमने जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लिया है अब आगे चलते हैं इस सेशन को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है अब हमें बात करनी है रेडियस रेशियो की रेंज को जानने की रेडियस रेशियो की रेंज को कैसे यहां पर डिस्कस किया जा सकता है देखिए अगर यहां पर स्मोलर एटम और स्पियर को फोर्ड्स में रखते हैं तो रेडियस रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू किस प्रकार से हम डिफाइन कर पाएंगे देखिए आर प्लस बाई आर माइनस की सबसे कम वैल्यू क्या होगी ट्रैंगुलर वर्ड के लिए इतनी होगी और कहां तक जा सकते हैं इससे जस्ट पहले तक जा सकते हैं अगर हम यहां पर लिमिटिंग रेडियस रेशियो की बात करें या इसकी रेंज की बात करें तो इसके लिए वैल्यू होगी जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव से चलना हमने स्टार्ट किया और इससे जस्ट पहले तक हम देखिए ट्रैंगुलर वर्ड में ही स्मोलर एटम और स्फीयर को प्लेस कर रहे होंगे यानी जीरो पॉइंट टू टू फाइव से जस्ट पहले तक आर प्लस बाय माइनस इसकी तो होगा इक्वल यहां से तो हमने स्टार्ट किया और देखिए इससे वैल्यू जस्ट क्या होगी कम होगी तब हमें देखिए क्या मिल रहा होगा ट्रायंगुलर वोइड मिल रहा होगा और हम स्मॉलर एटम और स्फीयर को अगर ये रेडियस रेशियो की रेंज है तो यहां पर प्लेस कर पाएंगे आगे देखिए टेट्राहेड्रल वर्ड की बात की जाए तो आर प्लस बाय आर माइनस इसकी देखिए सबसे कम वैल्यू कितनी है इतनी है यहां से देखिए हमें में को प्लेस करने को मिल रहा है यानी सबसे कम वैल्यू हमें यहां से दिखाई दे रही है हमने सोल्व किया था कैलकुलेशन की थी तो इतनी वैल्यू हमें आर प्लस बाय आर माइनस की मिनिमम मिल पाई थी ठीक है जी इसके बाद देखिए 0.414 से ऑक्टाहेड्रल वुड स्टार्ट होगा तो यार इसे जस्ट पहले तक कौन रहा होगा टेट्राहेड्रल वुड और हम वहां पर क्या कर रहे होंगे हम वहां पर स्मॉलर एटम और स्फीयर को प्लेस कर रहे होंगे तो यार देखिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या मिल रहा होगा 0.225 से 0.225 से 0.414 से जस्ट पहले तक ये हमें मिल पाएगा टेट्राहेड्रल वुड देखिए

ये वैल्यू किसके कोरोस्पॉ होगी ओक्टा हेड्रल वर्ड की कोरोस्पॉ होगी यानी जस्ट पहले तक हमें ओक्टाइड में एटम और स्फीयर प्लेस करने को मिल रहा होगा तो यार के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होगा या फिर इसकी रेंज क्या होगी ये होगी जीरो पॉइंट फोर वन फोर से चलना स्टार्ट करेंगे और जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू से जस्ट पहले तक ठीक है तो यार ऐसी रेंज हमारे सामने आ जाएगी क्यूबिक वर्ड आपके सामने है चलना कहां से स्टार्ट करेंगे देखिए तब क्यूबिक वर्ड के लिए हमें आर प्लस बाय आर माइनस मिलता है इस प्रकार से देखिए ये फोर स्फियस है ये फोर है और एक स्मोलर स्फीयर को हम यहां पर प्लेस करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं तो उस केस में हमें आर प्लस बाय आर माइनस की सबसे कम वैल्यू मिल पाती है अब देखिए इसका साइज इंक्रीज हो सकता है हो सकता है हो सकता है कितना तक इसका साइज इंक्रीज हो पाएगा ये देखिए इतना ही मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि 0.732 से हम रेडियस रेशियो को डील करना स्टार्ट करेंगे क्यूबिक वॉइड के लिए और कहां तक जाएंगे वन से जस्ट पहले तक जाएंगे क्योंकि यार वॉइड इतना बड़ा नहीं है कि जितने साइज का ये आपने एटम और स्फीयर कंसीडर किया है इतने साइज का ये एटम और स्फीयर यहां वॉइड में मौजूद हो ठीक है जी तो r r 1 तब मिलता है जब यहां पर

इस एटम और आयन से तो स्मॉलर होगा होगा तो इसका स्मॉलर लेसर होगा कैपिटल आर से यानी वैल्यू वन से जस्ट क्या होगी लेसर होगी यानी 0.732 से चलना स्टार्ट करेंगे और वन से जस्ट पहले तक हमें रेंज किसकी मिल रही होगी ये क्यूबिक वॉयड के लिए रेंज मिल रही होगी ठीक है जी इस प्रकार से हमने 0.155 से चलना स्टार्ट किया और 1 के जस्ट पहले तक हमने कंप्लीट बात कर ली है इन के हमने रेडियस रेशियो की, की रेंज की बात कर ली है अब यार थियोटिकली एक और वर्ड डिफाइन किया जा सकता है इससे पहले क्या रहा होगा काफी सारे बुक्स में इससे पहले भी डिफाइंड है यानी जीरो से जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव तक क्या रहा होगा या जीरो से जीरो पॉइंट फाइव से जस्ट पहले तक क्या रहा होगा कि से स्टार्टिंग हो काफी सारे बुक्स में थियोटिकली डिफाइंड है लीनियर वर्ड क्या डिफाइंड है लीनियर वर्ड किस प्रकार से कुछ इस प्रकार से लीनियर वर्ड इज थियोर डिफाइंड किस प्रकार से इस प्रकार से यार लीनियर वोल्ट ये क्या होगा लीनियर वोल्ट होगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर टू होगा रेडियस रेशियो की रेंज क्या होगी जीरो से जीरो पॉइंट वन फाइव फाइव से जस्ट पहले तक ठीक है तो मैंने आपसे प्रोमिस किया था वादा किया था नेक्स्ट सेशन में एक थियोटिकली डिफाइंड वर्ड की बात भी की जाएगी दैट इज लीनियर वर्ड मामला क्लियर है चले आगे रेडियस रेशियो की रेंज आपको क्लियर है लिमिटिंग रेडियस रेशियो के बारे में हमने बात कर ली है डील कर लिया है अब यार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी मिलते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी मिलते हैं अब आप कहेंगे सर क्या बॉडी सेंटर्ड में ऐसा नहीं होगा होगा बॉडी सेंटर्ड में लेकिन ये डिस्टॉर्टेड मिलते हैं ठीक है जी ये डिस्टॉर्टेड मिलते हैं डिस्टोटेड की तो हमें बात ही नहीं करनी है हमें तो यार रेगुलर ज्योमेट्री के साथ चाहिए tetrahedral और octahedral void. तो इसलिए हम बॉडी सेंटर्ड में बात नहीं करेंगे में में ही ऐसा होगा, face centered cubic lattice में ही ऐसा होगा होगा कि ज्योमेट्री के साथ टेट्राहेड्रन ओक्टाहाड्रन बन रहे होंगे और वर्ड्स मिल रहे होंगे हम तो यार ऐसे ही रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर वर्ड फाइंड करने में इंटरेस्टेड है तो यार इस प्रकार से रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन उक्टाइड्रन तो फेस सेंटर्ड में मिलती कैसे मिलती है इस मुद्दे की भी हम बात करेंगे यहां भी हम लोट कराएंगे लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ये बात केवल और केवल होगी सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड इन तीनों में से फेस सेंटर्ड के, के केस में क्यों होगी मैं आपको बता चुका हूं वी नो दैट क्लोज पैक्ड बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ठीक है एफसी में दोनों ही होंगे क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी बात की गई है एफसी की और सीसीपी की एफ का दूसरा नाम क्या है इसे सीसीपी भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं आगे चलकर है। इसे भी डिस्कस कर लिया जाएगा टेक सीसीपी और एफसी स्ट्रक्चर एंड लोकेट दीज वर्ड इन एफ और सीसीपी हम क्या करेंगे यार एफ और सीसीपी को हम यहां पर कंसिडर करने वाले हैं और इन वर्ड्स को लोकेट करने वाले तो आइए सबसे पहले किसको लोकेट किया जाए मुझे लगता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स को सबसे पहले लोकेट करना चाहिए ठीक है जी लेट अस कंसीडर ए यूनिट सेल ऑफ सीसीपी और एफसीसी लेटिस द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू एट स्मॉलर क्यूब्स देखिए यूनिट सेल को एट स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया जा सकता है ये डायग्राम आपको एनसीआरटी बुक में भी मिल जाएगा और यह डायग्राम आपको आपकी पीडीएफ नोट्स में भी मिल जाएगा लेकिन काफी सारे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं यार अपने हाथ से ही डायग्राम बनाया करें तो ज्यादा अच्छी फील आती है तो यह लीजिए ज्यादा अच्छी फील लेने के लिए मैंने डायग्राम को अपने हाथों से ड्रॉ किया है देख लीजिए ठीक है ज्यादा अच्छी फील आपको आएगी किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी विजुअलाइजेशन आपकी अगर ज्यादा होगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है मैं ड्रॉ कर दूंगा आपके लिए ठीक है देख लीजिए इस प्रकार से अगर क्यूब बनाते हैं बड़ी क्यूब बनाते हैं बड़ा डिब्बा बनाते हैं ठीक है जी बड़ी क्यूब ये हम बात करने वाले हैं यार एक यूनिट सेल की ध्यान दीजिएगा हम बात करने वाले हैं एक यूनिट सेल की एक यूनिट सेल की हम बात करने वाले हैं ठीक है यहां से भी टूल्स को यूज किया जा सकता है कहीं बाद में कमेंट करके आप बताएंगे सर टूल्स यूज कर लें काफी सारे बच्चे कहते हैं सर अपने हाथ से ड्रो करें काफी सारे बच्चे कहेंगे टूल्स यूज कर लें <laughs> तो यार देखिए आपकी डिमांड पर मैंने अपने हाथों से ड्रॉ कर दिया और ऐसा मुझे भी लगता है ज्यादा फील आएगी ठीक है तो इस प्रकार से हमारे सामने एक क्यूब है अब हम क्या करेंगे आज मैं आपको सिखाऊंगा एक क्यूब को कैसे एडोलर क्यूब्स में डिवाइड किया जा सकता है जी हाँ इस प्रकार से रेक्टेंगुलर प्लेन पास करते हुए क्या पास करते हुए रेक्टेंगुलर प्लेन पास करते हुए हम आसानी के साथ एक क्यूब को एट क्यूब्स में डिवाइड कर पाएंगे कैसे डिवाइड कर पाएंगे देखना ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लेन पास किया ठीक है जी इसके बाद मैंने देखिए एक रेक्टेंगुलर प्लेन ये पास किया ये एक है हम किस प्रकार से शानदार अंदाज में इसे एट स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर पाएंगे ये मैं आपको दिखाने वाला हूं देखिए इस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर प्लेन भी मैंने पास किया ध्यान से देखिए ये रेक्टेंगुलर प्लेन भी मैंने यहां पास कर दिया है ठीक है जी इसके बाद क्या करना है इसके बाद इसके फेस सेंटर को इसके फेस सेंटर से ज्वाइन करना है फिर इसके फेस सेंटर को इसके फेस सेंटर से ज्वाइन करना है मुझे लगता है मुझे लगता है पिक्चर आपको क्लियर हुई होगी मुझे लगता है आपको विजुलाइज हुआ होगा किस प्रकार से एक क्यूब को एट स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है देखिए मेथड आपके सामने बड़ी सी क्यूब बना लें इस प्रकार से ऐसा प्लेन पास कर दें ऐसा प्लेन पास कर दें ऐसा प्लेन पास कर दें फिर क्या करें इन दोनों के फेस सेंटर को जॉइन कर दें इन दोनों के फेस सेंटर को जॉइन कर दें तो इस प्रकार से हमारे पास एट स्मोलर क्यूब्स आ जाएंगी एक बड़े डिब्बे को एट छोटे डिब्बों में मैंने क्या कर दिया है डिवाइड कर दिया है ठीक है जी मामला क्लियर है इस टेक्निक को याद रखेंगे स्टेट में टेक्निक काफी बार यूज होगी आगे चलकर आयनिक कंपाउंड्स की पैकिंग में भी यार ये टेक्निक बार बार यूज होगी अब देखिए अब हम कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर्स पर एटम्स को प्लेस करने वाले हैं क्योंकि यह यूनिट सेल है एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिखने में कैसा होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल दिखने में ऐसा होगा एटम्स मौजूद होंगे कॉर्नर्स पर कॉर्नर्स पर इसके अलावा फेस सेंटर पर देखिए फेस सेंटर पर एटम्स मौजूद होंगे देख लीजिए इस प्रकार से यार एटम्स फेस सेंटर्स पर भी मौजूद होंगे ठीक है जी सामने एक फेस सेंटर है यहां भी एटम मौजूद होगा पीछे एक फेस सेंटर है यहां भी देखिए एटम मौजूद होगा इस प्रकार से यूनिट सेल दिखने में ऐसा लग रहा होगा यहां भी कोर्नर uh, आइटम्स होंगे जी हां ये हमारे सामने है कंप्लीट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है ये फेस सेंटर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ठीक है जी ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल चलिए भाई पिक्चर तो आपको क्लियर हुई होगी क्लियर है इसके आर एक कॉपी और बना लेंगे है ना आगे भी हमें इसे यूज करना होगा ये लीजिए अब देखिए एक कॉपी मैंने इसकी क्रिएट कर ली है आगे कभी यूज करना हुआ आज के सेशन में तो इसको डायरेक्टली मैं यूज कर लूंगा टाइम वेस्ट नहीं करेंगी ठीक है तो अब क्या करना है अब हमें इन स्मॉलर क्यूब्स को बिल्कुल ध्यान से देखना है बारीकी से देखना है इन स्मोलर क्यूब्स को बिल्कुल ध्यान से देखना है बारीकी से देखना है कुछ दिखेगा आपको हर स्मोलर क्यूब के हर स्मोलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर आपको कुछ नजर आएगा देखिए ये सामने जो स्मोलर क्यूब है ये सामने स्मोलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर को ध्यान से देखिए सामने स्मोलर क्यूब का बॉडी सेंटर ये है और इसे जस्ट पीछे जो स्मोलर क्यूब है उसका बॉडी सेंटर देखिए ये है ऐसे यहां जो सामने स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है और इसके पीछे जो स्मॉलर क्यूब है उसका बॉडी सेंटर देखिए ये है। कुछ दिखाई देगा आपको ऐसे ही यहां जो सामने स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है और इसके जस्ट पीछे स्मॉलर क्यूब है इसका बॉडी सेंटर ये है भाई विजुलाइज तो करना होगा अपने दिमाग को तो खोलना होगा नहीं खोलेंगे नहीं दिखेगा ठीक है दिमाग को 3D में ले जाइए है ना टू डी में नहीं फील कर पाएंगे आपको थ्री डी में लेकर जाना होगा बिल्कुल बारीकी से इसको विजुलाइज करना होगा ठीक है सिमिलरली यहां जो सामने स्मॉलर क्यूब है इसका यार बॉडी सेंटर ये होगा क्लियर है इस प्रकार से मैंने बॉडी सेंटर को लोकेट कर दिया है और ये बॉडी सेंटर ही लोकेशन है टेट्राहेड्रल वोइड की आप पूछेंगे कैसे देखिए ऐसे देखिए कैसे अगर हम स्मॉलर क्यूब को ध्यान से देखें अगर हम स्मॉलर क्यूब को ध्यान से देखें यहां भी देखिए एक काम कीजिए ये अपोजिट फेस सेंटर जो है इनको भी ज्वाइन कर लो अपोजिट फेस सेंटर को भी ज्वाइन कर लो अरे अपोजिट फेस सेंटर को भी जल्दी से ज्वाइन कर लो Osionfish. फिर आपको मुझे लगता है पिक्चर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ नजर आएगी ज्वाइन कर लिया है ठीक है जी तो देखिए तो देखिए स्मोलर क्यूब को ध्यान से देखिए या नहीं है या एटम है या नहीं है या एटम है या नहीं है यानी स्मोलर क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स को प्लेस किया गया है अल्टरनेटिवली एटम्स को प्लेस किया गया है जब भी क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स को अल्टरनेट पोजीशन पर रखा जाए प्लेस किया जाए तो ऐसे केस में उस क्यूब का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन होगा ये लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था तो यार हमने क्या किया हमने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को एट स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कर दिया और उसके बाद हम विजुलाइज कर रहे हैं उन एट स्मॉलर क्यूब्स में से एक स्मॉलर क्यूब को जैसा हाल एक स्मॉलर क्यूब में हमें मिल रहा होगा वैसा ही सिमेट्री से बोल देंगे यार जो सेवन अदर स्मॉलर क्यूब्स हैं, उनमें भी वैसा ही होगा तो मैंने क्या किया इसके बॉडी सेंटर को लोकेट किया लोकेट किया और देखा ध्यान से देखा ध्यान पूर्वक मैंने देखा देखिए इस प्रकार से मैंने ध्यान से देखा तो यार मुझे क्या मिल पाया अरे वाह ये तो टेट्रा मिल रहा है जी हाँ ये टेट्रा मिल रहा है और अगर ये टेट्राहेड्रन है तो इसका स्मोलर क्यूब का बॉडी सेंटर क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। सिमेट्री से देखिए फील आएगी आपको अगर ये टेट्राहेड्रन है इस इस प्रकार प्रकार से, से अगर ये इस से है, देख सकते हैं तो देखिए यहां बीच में क्या होगा टेट्राहेड्रल होप आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी इसी स्मोलर क्यूब को यहां देखिए बाहर निकाला गया है ये इसका जो बॉडी सेंटर होगा लोकेशन होगा टेट्राहेड्रल वोड की देखिए यह होगा टेट्राहेड्रल वोट मामला क्लियर है इस प्रकार से मुझे लगता है हर स्मोलर क्यूब में टेट्राहेड्रल वोइड मिल रहा होगा सिमेट्री से देखिए बॉडी सेंटर ऑफ एट स्मोलर क्यूब नोट कीजिए बॉडी सेंटर ऑफ एट स्मोलर क्यूब एट स्मोलर क्यूब एट स्मोलर क्यूब इस द लोकेशन ऑफ इज द लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल हेट्रल हर स्मॉलर क्यूब का बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल हेड्रल की लोकेशन है देर आर एट स्मॉलर क्यूब्स देर आर देर आर एट स्मॉलर क्यूब स्मॉलर क्यूब्स सो वी कैन से दैट सो we can say that, we can say that, there are. We can say that, there are. We can say that, there are. कितने टेट्राइडल बोर्ड होंगे देखिए एट स्मोलर क्यूब हर स्मोलर क्यूब का बोर्ड center सेंटर टेट्राइडल बोर्ड की लोकेशन है सो वी कैन सी दैट देर आर एट टेट्राहेड्रल वर्ड्स टेट्रा हेड्रल वर्ड्स इन टोटल है ना कितने होंगे eight होंगे भाई देखिए कितने होंगे एट होंगे पूरा मामला आपके सामने है पूरी पिक्चर आपके सामने है मामला क्लियर है इसको देखिए यहां भी मेंशन किया गया है कितने टेट्राहेड्रल हेड्रल होंगे इन टोटल एट टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे देखिए नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स स्मॉलर क्यूब्स कितने हैं? है। और देखिए, जितने नंबर ऑफ़ स्मॉलर क्यूब्स हैं, स्मॉलर क्यूब्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं क्योंकि यार एक क्यूब में एक है तो एट में कितने होंगे एट होंगे इसी बात का यहां पर जिक्र किया गया है ठीक है जी ये कुछ लाइन है जो एनसीआर बुक में दी गई है एज इट इज इनका क्या मीनिंग है इनका मीनिंग आपके सामने है इनका मीनिंग आपके सामने ये लीजिए इनका मीनिंग ये है ठीक है जी इसमें कोई डाउट और इसमें यार ये जिक्र भी किया गया है कि स्मोलर क्यूब में जो फोर एटम्स है ये अल्टरनेट पोजीशन पर है तो जो बॉडी सेंटर होगा स्मोलर क्यूब का ये क्या होगा ये टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन होगा हर स्मोलर क्यूब में एक टेट्राहेडल वर्ड है तो एट में कितने टेट्राहेडल वर्ड होंगे एट हो जाएंगे इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए इसमें क्या कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है तो यार एक पॉइंट और नोट कर लें आप यहां पर इस प्रकार से एफ यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आप जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स एन एफ हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की जेड की आप जानते हैं एट कॉर्नर पर एटम्स मौजूद हैं वन बाय एट कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ Corner पर रखे हर एटम का एट है ठीक है जी फेस सेंटर पर रखे हर एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाय टू है तो क्या करेंगे सिक्स एटम फेस सेंटर पर है सिक्स इंटू वन बाय टू ऐसा कुछ करेंगे यहां से देखिए देखिए जेड मिल रहा होगा फोर ध्यान देने वाली बात यह है जितने नंबर ऑफ एटम्स है एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जितने भी एफसीसी में है क्यूबिक यूनिट सेल में है इसका जस्ट डबल ध्यान से देखिए अगर ये फोर है तो एट है टेट्राहेड्रल वर्ड्स जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वर्ड हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन एफ सीसी विच आर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो देखिए क्या कंपेरिजन होगा मुझे लगता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल टेट्राहड्रफसी में इन एफ सीसीड्रिल भी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन क्या होगा इनटू टू होगा यार ये देखिए ये फोर है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फोर है फोर को टू से मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने मिल रहे हैं देखिए एट मिल रहे हैं यानी कहानी बिल्कुल क्लियर है ठीक है जी कॉन्सेप्ट क्लियर है वेरी गुड कॉन्सेप्ट क्लियर है इस स्टेटमेंट को यार क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा या तो थियोटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इससे रिलेटेड

यहां कुछ और कमेंट किया जा सकता है क्या इसके अलावा हम कुछ और कमेंट कर पाएंगे ये सोचने वाली बात है सोचिए इसके बारे में क्या इसके अलावा हम कुछ और कमेंट कर पाएंगे बिल्कुल कर पाएंगे यार यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है अरे देखिए इस क्यूब में देखिए मुझे लगता है ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप देख पाएंगे यहां से लेकर अरे यहां से लेकर कलर चेंज करते हैं यहां से लेकर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस ठीक है जी इसकी हमें बात करनी ये क्या है ये तो बॉडी सेंटर है की डिस्टेंस कितना है अगर ये एज ए है ध्यान से देखिए लेंथ ए तो ये क्या है ये है बॉडी डायगनल ये क्या है बॉडी डायगनल है तो इस बॉडी डायगनल पर हमें देखिए कहां पर टेट्राहेड्रल वर्ड मिल रहा होगा एक बात दूसरी बात इसकी लेंथ कितनी है इसकी लेंथ पता चल जाए तो फिर हम टेट्राहेड्रल वर्ड मिल रहा होगा तो इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी कंपैरिजन में टेट्राहेड्रल वर्ड कितने डिस्टेंस पर मिल रहा होगा उसके डिस्टेंस से है ना रिलेट कर पाएंगे तो मुझे लगता है यहां देखिए बॉडी डायगनल की लेंथ क्यूब में मिलती है अंडरूट थ्री एज लेंथ ए है तो कितनी मिलती है वो टेट्राहेड्रल वोइड जो मिल रहा होगा टेट्राहेड्रल वोइड जो हमें मिल रहा होगा पीछे जो स्मॉलर क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पर मिल रहा होगा पीछे जो स्मॉलर क्यूब है उसके बॉडी सेंटर पर यहां मिल रहा होगा ठीक है जी और ये देखिए बॉडी डायगनल, पीछे से पीछे जो स्मॉलर क्यूब है उसके बॉडी सेंटर से होता हुआ यहां जो सामने स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर से होते हुए इस कॉर्नर तक पहुंचेगा ये यही तो होगा देखिए इस बॉडी डायगनल की बात करें ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया बॉडी डायगनल को और देखिए पीछे जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर से क्रॉस करते, करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए इस प्रकार से हम आगे गए देखिए आगे चलते हैं तो सामने जो स्मॉलर क्यूब है इसके बॉडी सेंटर से क्रॉस कर रहा होगा इमेजिन कीजिए आप और इसके बॉडी सेंटर पर क्या होगा इस प्रकार से टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहा होगा तो यार इस बॉडी डायगनल के लोग इस एक बॉडी डायगनल के लोग हमें देखिए कितने टेट्राहेड्रल हेड्रल वर्ड्स मिल रहे होंगे अलोंग वन बॉडी डायगनल वी गेट टू टेट्राहेड्रल हेड्रल वर्ड्स लिखिए अलोंग वन बॉडी डायगनल यहां से क्या मिलता है अलोंग वन बॉडी डायगनल डायगनल वी गेट वी गेट वन वन Along one body diagonal, we get two tetrahedral words, Two मिलेंगे यार. एक यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा ठीक है जी गलती से मैंने यहाँ one लिख दिया था अब मैंने देखी two लिख दिया क्योंकि actual case में कितने tetrahedral void मिल रहे होंगे Two मिल रहे होंगे ठीक है जी थी? at a distance of एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ अंडरूट थ्री बाय फोर अंडरूट थ्री बाय फोर एंड एंड थ्री इंटू अंडरूट थ्री बाय फोर फ्रोम फ्रोम ए पर्टिकुलर कॉर्नर फ्रोम ए पर्टिकुलर कॉर्नर ध्यान से देखिए किसी भी कॉर्नर से चलना स्टार्ट करें तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ ये डिस्टेंस हुआ वन बाय फोर वन फोर्थ हुआ बॉडी डायगनल की लेंथ का वन फोर्थ हुआ डिस्टेंस कैसे वन फोर, वन फोर, वन फोर, वन फोर सिमेट्री से देखिए कंप्लीट बॉडी डायगनल मिलता है इस प्रकार से चार टुकड़ों में अगर इसको डिवाइड किया जाए तो वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर मतलब ये यह यहां से यहां तक की लेंथ वन फोर्थ लेंथ होगी चार टुकड़ों में कैसे डिवाइड किया जाए देखिए चार टुकड़ों में इसको ऐसे डिवाइड किया जाए यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा यार अंडरूट थ्री बाय फोर क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ का वन फोर्थ है कैसे वन बाय फोर 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 फोर या 1 बाई फोर को फोर टाइम्स आप एड करेंगे तो देखिए फुल लेंथ मिल रही होगी अगर ये फुल लेंथ अंडरूट थ्री ए है तो इसको चार इक्वल हिस्सों में कैसे डिवाइड करोगे ये होगा अनूट थ्री बाय फोर ये कितना होगा यहां से यहां तक कितना होगा ये देखिए यहां से यहां तक होगा अंडरूट थ्री बाय फोर अगेन अंडरूट थ्री बाय फोर यहां से यहां क्या होगा अगेन रूट थ्री बाय फोर अंडरूट थ्री बाय फोर और यहां से यां तक डिस्टेंस कितना होगा अंडरूट थ्री बाय फोर या तो आप यहां से चलना स्टार्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ अंडरूट थ्री बाय फोर आपको एक टेट्राहेड्रल वर्ड मिल रहा है ऐसी एक दो तीन तीन बार इतना हम चले तब जाकर यहां देखिए अगर हमने इस कोर्नर से चलना स्टार्ट किया तो अंडरूट थ्री बाय फोर अंडरूट थ्री बाय फोर तीन बार अगर हम इस प्रकार से इतने डिस्टेंस तक चलेंगे तब जाकर दूसरा टेट्राहेडल वर्ड मिल रहा होगा कितने डिस्टेंस पर इन टोटल ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा थ्री इन टू अनूट थ्री बायेगा सिमिलरली सिमेट्री से देखिए इस तरफ से चलना स्टार्ट करें पहला टेट्राहडल वर्ड हमें अनरूट थ्री बाय फोर डिस्टेंस पर मिल रहा होगा फिर आगे चलेंगे अनरूट थ्री बाय फोर तक चलेंगे कुछ नहीं मिलेगा फिर आगे चलेंगे अंडर रूट थ्री बाय फोर तक फिर दूसरा मिल जाएगा या नहीं हम तीन बार चल पाए तब जाकर दूसरा टेट्राइडल वर्ड मिलता है तीन बार कितना चल पाए तीन बार अंडरूट थ्री बाय फोर चल पाए टोटल कितना चल पाए तुन 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 थ्री इंटू अंडरूट थ्री बाय फोर चल पाए और पहली बार ये दूसरी बार हमने किया ठीक है ना पहली बार हमने क्या किया अंडरूट थ्री बाय फोर इतना डिस्टेंस कवर किया पहली बार हमने दूसरी बार हमने इतना डिस्टेंस कवर किया यानी इतने डिस्टेंस पर और इतने डिस्टेंस पर हमें क्या मिल रहे होंगे टेट्राहेड्रल मिल रहे होंगे मामला क्लियर है है यही तो हमने मेंशन किया है। अगर हम बॉडी डायगनल के लोंग चल रहे होंगे तो हमें एक बॉडी डायगनल के लोंग कितने टेट्राहेड्रल वर्ड मिल रहे होंगे दो मिल रहे होंगे कितने डिस्टेंस पर मिल रहे होंगे पिक्चर आपके सामने है अनरूट थ्री बाय फोर पर मिल रहे होंगे थ्री इंटू अंड्रूट थ्री बाय फोर पर मिल रहे होंगे चलिए भाई अब बात की जाए लोकेटिंग ओक्टाहेड्रल वर्ड्स की जैसा कि आप जानते हैं एफसीसी में टेट्राहेड्रल वर्ड्स भी मिलते हैं तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहां मिलते हैं बड़ी सी क्यूब को हमने क्या किया क्यूबिक यूनिट सेल को हमने क्या किया एट स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड किया और हर स्मोलर क्यूब का बॉडी सेंटर क्या दे रहा है हमें टेट्रा हेडल की लोकेशन दे रहा है प्रोवाइड कर रहा है और स्मॉलर तो क्यूब्स है तो एट्रा हेडल वोड्स हमें लोकेट करने की देखिए अगेन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमारे सामने है। मुझे लगता है पिक्चर आपको क्लियर होगी इसको यार दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है इसी में देखिए मैं लाइंस को डार्क कर दूंगा मुझे लगता है अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी ठीक है एक बार पहले हम ड्रॉ कर ही चुके हैं तो दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है ठीक है जी इस प्रकार से देखिए इसे ड्रॉ किया जाएगा आई होप आपने भी अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लिया होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को जहां पर एटम्स मौजूद हैं कॉर्नर्स पर कॉर्नर्स पर और फेस सेंटर पर कहा मौजूद है फेस सेंटर पर ये देखिए कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद हैं और इसके अलावा फेस सेंटर पर भी एटम्स मौजूद हैं ठीक है जी पिक्चर आपके सामने है. अब आपको फोकस करना है फेस सेंटर्ड एटम्स पर कहां फोकस करना है फेस सेंटर्ड एटम्स पर किस प्रकार से करना है चलिए बगल में मुझसे रहा नहीं गया ये मैंने एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर दिया है ताकि यार आपकी विजुलाइजेशन अच्छी हो पाए ठीक है बगल में ड्रॉ कर दिया है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एटम्स कॉर्नर पर भी है और फेस सेंटर पर भी है फिलहाल मैं इंटरेस्टेड हूं फेस सेंटर्ड एटम्स को लेकर ठीक है तो मैंने क्या किया फेस सेंटर पर ही यहां पर एटम्स को रिप्रेजेंट किया वैसे एटम्स कॉर्नर पर भी आप देख सकते हैं कंप्लीट एफसीसी ऐसा होगा कंप्लीट FCC ऐसा होगा लेकिन 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 अब यहां मैंने क्या किया मैंने कॉर्नर एटम्स को दफा किया और फेस एटम्स को मैंने कंसिडर किया ये देखिए मैंने कंसिडर किया फेस सेंटर्ड एटम्स को देखिए इस प्रकार से दो फेस सेंटर्ड एटम्स और होंगे किस प्रकार से हुआ? एक सामने वाले फेस के फेस सेंटर पर है और एक यार पीछे वाले फेस के फेस सेंटर पर है इस प्रकार से जैसे ही मैंने इस प्रकार से केवल और केवल की की, बात की, तो मुझे यार बनता हुआ नजर आ गया किस प्रकार से बनता हुआ नजर आ गया देखिए इन चार से हमें स्कूल अरेंजमेंट मिल रही होगी इन चार से हमें अरेंजमेंट मिल रही होगी और एक देखिए ऊपर से प्लेस्ड है और एक देखिए नीचे से प्लेस्ड है ठीक है जी इन चार से स्क्यर अरेंजमेंट मिल रही होगी एक देखिए ऊपर से प्लेस्ड है और एक देखिए नीचे से प्लेस्ड है तो हमें देखिए ओक्टाहाइड्रल वर्ड होगा मुझे लगता है सेंटर में यहाँ बीच में और ये सेंटर कौन सा सेंटर होगा कि बॉडी सेंटर होगा ध्यान से देखिए चार से जो फेस सेंटर पर इस प्रकार से चार प्लेस्ड हैं इनसे देखिए अरेंजमेंट मिल रही है सामने वाले फेस के फेस सेंटर पर हमने एटम को प्लेस किया है पीछे वाले फेस के फेस सेंटर पर आइटम को प्लेस किया यानी सामने से आइटम को प्लेस किया है पीछे से आइटम को प्लेस किया है तो इस प्रकार से ओक्टा बनता हुआ नजर आया होगा अब इसमें देखिए जो बॉडी सेंटर है दिस बॉडी सेंटर दिस बॉडी सेंटर इज द लोकेशन ऑफ इज द लोकेशन ऑफ ओक्टा हेड्रल वर्ड ठीक है जी अगर ये देखिए ओक्टा बन रहा है और ओक्टाहाइड्रल के के वैसी चाहिए थी, एटम्स और की वैसी मिल रही है, है, तो हमने क्या देखा? बारे से देखा? इसका जो, सेंटर है, जो इसका सेंटर होगा बिल्कुल, जो middle point होगा, वहां हमें देखिए क्या नजर आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वर्ड हमें यहां पर नजर आ रहा है और ये जो सेंटर है ये इस क्यूब का बॉडी सेंटर है क्या है बॉडी सेंटर है तो हमने क्या किया हमने देखिए fcc और ccp यूनिट सेल यहां पर कंसिडर किया हमने लैटिस यहां पर कंसिडर किया उस लैटिस में से एक यूनिट सेल को हमने कंसिडर किया क्योंकि जैसा एक यूनिट सेल में हाल होगा वैसा ही पूरे लैटिस में होगा तो लैटिस से हमने क्या किया एक यूनिट सेल को अलग कर लिया और एक यूनिट सेल भी में भी हमने देखिए फेस सेंटर पर जो एटम प्लेस थे हमने उनकी बात की तो हमें क्या नजर आ गया बॉडी सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें नजर आ गया ड्रन बन रहा है और ओक्टाहाइड्रन कहा बन रहा है ध्यान से देखिए इस प्रकार से दिस यूनिट सेल body सेंटर ऑफ द क्यूब इस यूनिट सेल में अगर ओक्टाहाइड्रन बनता हुआ नजर आया है तो आपको बॉडी सेंटर पर ओक्टाहाइड्रल वर्ड भी बनता हुआ नजर आएगा ये जो बॉडी सेंटर है यहां पर क्या मिलता है ओक्टा हेड्रल मिलता है क्योंकि यार इसके चारों तरफ स्फीयर्स की वैसी अरेंजमेंट होगी जैसी अरेंजमेंट आपने पहले वर्ड्स में देखी थी वर्ड्स को जब हमने क्लासिफाई किया था जहां पर हमने ओक्टा हेड्रल की बात की थी कैसी अरेंजमेंट हमने देखी थी देखिए ऐसी अरेंजमेंट हम देख चुके हैं चार ऐसे कॉन्टेक्ट में हो स्क्वायर अरेंजमेंट हो इस प्रकार से चार की एक को ऊपर से प्लेस किया हो एक को नीचे से प्लेस किया हो तो ये क्या होगा ये होगा यार ओक्टा हेड्रल वर्ड ये होगा ओक्टा हेडल वर्ड और ऐसी अरेंजमेंट हमें यहां भी मिल रही है ये ये देखिए हमारे पास इनकी स्क्र अरेंजमेंट है एक को सामने से प्लेस कर दिया एक को पीछे से प्लेस कर दिया देखिए एक ऊपर से प्लेस कर दिया सामने से प्लेस कर दिया एक को नीचे से प्लेस कर दिया यानी पीछे से प्लेस कर दिया ऐसी अरेंजमेंट यहां मिल रही है और देखिए ये बॉडी सेंटर क्या होगा ये क्या होगा ओक्टा हेड्रल वर्ड होगा क्लियर है इस प्रकार से यार फेस सेंटर्ड एटम्स को कंसिडर करने से हमें ओक्टाहाड्रन मिल रहा है और ओक्टाहाड्रल वर्ड मिल रहा है बॉडी बॉडी सेंटर सेंटर के अलावा बिसाइड्स इज वन हैल वर्ड एट ईच एज सेंटर बॉडी सेंटर के अलावा भी एज सेंटर पर भी ओक्टा हेड्रल होता है टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन तो यार देखना बिल्कुल सिंपल था स्मॉलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर टेट्राहेडल वर्ड मिल रहा था ओक्टा हेडल के लिए आपको बड़ी क्यूब का पूरे यूनिट सेल का बॉडी सेंटर आपको कंसिडर करना होगा वह बॉडी सेंटर ओक्टा हेडल वर्ड की लोकेशन तो होगा ही इसके अलावा इसके अलावा यार एज सेंटर भी लोकेशन होगा ओक्टाहेड्रल हेडल की इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर टेट्रा हेडल वर्ड में भी आपने बोला कि बॉडी सेंटर लोकेशन होगा टेट्रा हेडल वर्ड की और यहाँ ओक्टा हेडल वर्ड में भी आपने बोला कि लोकेशन होगा बॉडी सेंटर ओक्टा हेडल वर्ड की दोनों केसेस में है एफसीसी दोनों केसेस में आपने बात की है एफ में वर्ड्स को लोकेट करने की तो यार आपका ये डाउट मैं यहीं पर ही क्लियर करता हूँ पहले जो हमने टेट्राहेड्रल वर्ड की बात की थी ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमने स्मोलर क्यूब्स में लोकेट किए थे स्मोलर क्यूब का बॉडी सेंटर था टेट्राहेड्रल वर्ड की लोकेशन बड़ी क्यूब के बॉडी सेंटर पर तो हमने कुछ कंसिडर ही नहीं किया तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉडी सेंटर ये वाला ओक्टाइडल वर्ड की लोकेशन कैसे है बिल्कुल है यार यहाँ टेट्राहेड्रल वर्ड तो होगा नहीं टेट्राहेड्रल वर्ड तो यहां होंगे स्मोलर क्यूब के बॉडी सेंटर पर होंगे ये बॉडी सेंटर अलग है स्मॉलर क्यूब के हैं टेट्राइडल वर्ड के में और यहां देखिए कौन सा वर्ड मिलता है यहां देखिए जिसकी जिसकी हमने हमने टेट्राहेड्रल में में बात बात नहीं की थी। जिसकी हमने बात की थी यहां देखिए कौन सा वर्ड मिलता है ओक्टा हेड्रल वर्ड मिलता है इसकी चारों तरफ देखिए एटम्स की अरेंजमेंट ऐसी है जैसी ओक्टा हेडल वर्ड के लिए होने चाहिए तो यहां देखिए बॉडी सेंटर पर यार ओक्टा हेडल वर्ड मिल रहा होगा इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए टेंशन नहीं होनी चाहिए और यार इस मुद्दे पर भी लौटेंगे बिसाइड्स बिसाइड्स बॉडी सेंटर देर इज वन ओक्टा हेडल वोर्ड एट ईच एज सेंटर कैसे यार हर एज सेंटर पर भी ओक्टा हेडल मिलता है आइए इस मिस्ट्री को सुलझाया जाए है ना इस रसायन के रहस्यों को हमें यहां खत्म करना है कैसे करना देखिए फेस क्यूबिक यूनिट सेल मैंने ड्रॉ किया आप भी जल्दी से ड्रॉ कर लें, और मैं यहां पर फोकस करने वाला हूं इस एज सेंटर पर बगल में भी यूनिट सेल होगा बिल्कुल होगा से इसका face मिलता है, ऊपर भी यूनिट सेल होगा बिल्कुल होगा यहां से यार इसका फेस मिलता है ठीक है इसका फेस सेंटर्ड एटम मिलता है ये इसका face -centered atom होगा, और यार इस प्रकार के एटम्स देखिए यहां भी होंगे इस फेस सेंटर पर इस पर इस पर इस पर हर फेस सेंटर पर एटम्स को प्लेस किया गया है सामने वाले फेस के फेस सेंटर पर पीछे वाले फेस के फेस सेंटर पर मामला क्लियर है कहानी क्लियर है इसके अलावा देखिए इसके अलावा देखिए कॉर्नर्स पर भी यहां पर एटम्स प्लेसड होंगे कॉर्नर्स पर भी क्या होंगे एटम्स प्लेसड होंगे ठीक है जी इस प्रकार से क्योंकि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का केस है एटम्स कॉर्नर पर तो यार मौजूद होंगे ही कॉर्नर्स पर तो मौजूद होंगे ही इसके अलावा फेस सेंटर पर भी होंगे तो हमने यार दोनों ही टाइप के एटम्स को लोकेट कर लिया है क्लियर है इस प्रकार से लोकेट करने पर और बगल में यूनिट सेल कंसिडर करने पर ऊपर यूनिट सेल कंसिडर करने पर हमें क्या मिल रहा है बगल वाले यूनिट सेल से ये फेस सेंटर्ड एटम ऊपर वाले यूनिट सेल से ये फेस सेंटर्ड एटम कंसीडर करने पर हमें क्या मिल रहा है हमें यार एज सेंटर पर octahedral void नजर आ रहा है देखिए किस प्रकार से edge center पर octahedral void नजर आ रहा है इस प्रकार से अगर हम इन फेस सेंटर्ड एटम्स को कनेक्ट करते हैं इस प्रकार से लाइन के साथ अगर हम इनको कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है इस प्रकार से देखिए इन फेस सेंटर एटम्स को अगर कनेक्ट किया जाए लाइन के साथ है ना इस प्रकार से देखिए मिलती है एक देखिए सामने से प्लेस एक पीछे से प्लेस थे अरे यार ये अरेंजमेंट तो ऐसी ही है ये तो ऐसी ही है चार बना रहे हैं स्कोर अरेंजमेंट एक को ऊपर से प्लेस किया एक को नीचे से प्लेस किया या सेंटर पर क्या होगा ओक्टाहाइड्रन है और इसके सेंटर पर देखिए यहां क्या होगा यहां होगा ओक्टाहाइड्रन वर्ड तो यही तो यहां हुआ है ये काम तो यहां हुआ है ऐसा ही काम तो यहां भी हुआ है देखिए इस प्रकार से अरेंजमेंट एक सामने से प्लेस किया एक यार पीछे से प्लेस किया ठीक है तो इसका जो एज सेंटर होगा ये दिख रहा होगा अगर ओक्टाहाइड्रन बन रहा है तो इस प्रकार से ये जो सेंटर होगा इसका ये किसकी लोकेशन होगा ये लोकेशन होगा ओक्टा हेड्रल की ये कौन सा सेंटर है यार एज सेंटर है क्या है एज सेंटर है यानी इस केस में एफ के केस में एज सेंटर एज सेंटर इज़ ऑल्सो ऑल्सो लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल हेड्रल ये भी ऑक्टाहेड्रल हेड्रल की लोकेशन है कितने एजिस हैं नंबर ऑफ एजिस कितने हैं नंबर ऑफ एजिस कितने हैं नंबर ऑफ एक एक क्यूबिक यूनिट सेल में में क्यूब हैं हैं कैसे हैं? देख लो काउंट कर, कर लो आप भी काउंट कर लो ट्वेल्व मिलते हैं तो क्या ओक्टाइड भी ट्वेल्व मिलते हैं हर एज सेंटर पर एक ओक्टाइड तो क्या आप मुझे बताइए बताइए आप मुझे क्या टोटल ट्वेल्व ऑफ टाइडल वर्ड मिलते हैं मुझे नहीं लगता ट्वेल्व मिलते हैं अपने जमीर में जाकर देखिए क्या ट्वेल्व ही होंगे अपने आप से पूछिए क्या ट्वेल्व ही होंगे यार एज सेंटर पर रखिए एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन अगर उस यूनिट सेल में कंप्लीट होगा तो यार वर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कंप्लीट होगा अगर एज सेंटर पर रखे एटम का कंप्लीट नहीं होता है तो उस यूनिट सेल में यार वोइड का भी कंप्लीट नहीं होगा। आप जानते हैं एज सेंटर पर रखे एटम का मिलता है, तो यार, जो पर मिल रहा होगा तो उस यूनिट सेल में उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? होगा तो यहां से फ्रॉम एज सेंटर फ्रॉम एज सेंटर नंबर ऑफ नंबर ऑफ ओक्टाइड वोइड कितने मिलेंगे यार ट्वेल्व एच सेंटर है तो हर एच सेंटर से वन बाय फोर कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है तो देखिए यहां से एच सेंटर से ओक्टाइड्रल वर्ड कितने मिलते हैं इफेक्टिवली कितने मिलते हैं तीन मिलते हैं ट्वेल्व इंटू वन बाय फोर कितने मिलते हैं तीन मिलते हैं और टोटल नंबर ऑफ ओक्टाइडल वर्ड्स कितने होंगे देखिए टोटल नंबर ऑफ ओक्टा हेड्रल वर्ड्स मिल पाएंगे यहां से टोटल नंबर ऑफ ओक्टाइडल वर्ड हमें यहां से मिल पाएंगे नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वर्ड्स फ्रॉम बॉडी सेंटर प्लस नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वर्ड्स फ्रॉम फ्रॉम एच सेंटर बॉडी सेंटर और एच सेंटर के ओक्टाहेड्रल वॉइड वर्ड को ऐड करने से हमें टोटल नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वर्ड्स मिल पाएंगे इनको देखिए ऐड कर दिया और हमें टोटल नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वर्ड्स यहां से मिल पाएंगे कितने मिल पाएंगे बॉडी सेंटर से एक मिलता है क्योंकि इसको देखिए कोई दूसरा क्यूब तो शेयर कर नहीं पाएगा क्योंकि बॉडी सेंटर तो अंदर है दूसरा क्यूब इसको कैसे शेयर कर पाएगा तो एक तो एक देखिए यहां से मिल पाया है एक तो यहां से मिल पाया फुल कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ और यहां से देखिए एज सेंटर पर एक मिलता है लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन वन बाय फोर है ट्वेल्व एज सेंटर है ट्वेल्व एजिस है ट्वेल्व एज सेंटर है तो क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ट्वेल्व इंटू वन बाय फोर यहां से देखिए एज सेंटर से कितने ऑक्टाइडल वर्ड मिलते हैं थ्री मिलते हैं से थ्री मिलते हैं ठीक है जी, तो टोटल कितने मिलते हैं टोटल फोर मिलते हैं टोटल, एट मिल थे, टोटल फोर मिल पाए चलिए भाई यह पॉइंट क्लियर है तो यहां कंक्लूड किया जाए बॉडी सेंटर्स एक मिलता है और ट्वेल्व वर्ड लोकेटेड एट एच सेंटर्स एंड दीज आर बिटवीन फोर यूनिट सेल्स ठीक है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा वन बाय फोर होगा तो इफेक्टिवली कितने मिल पाएंगे ट्वेल्व इन टू वन बाय फोर इफेक्टिवली इफेक्टिवली इतने मिल पाएंगे यानी यहां से कितने मिल पाएंगे यहां से थ्री मिल पाएंगे टोटल कितने मिल पाएंगे टोटल नंबर ऑफ ओक्टा हेडल वोड कितने मिल पाएंगे वन बॉडी सेंटर से बड़ी क्यूब के बॉडी सेंटर से और देखिए थ्री कहां से एज सेंटर से बात कर चुके टोटल कितने मिल पाएंगे फोर मिल पाएंगे ठीक है जी टोटल कितने मिल पाएंगे फोर मिल पाएंगे अगर यार टोटल फोर मिल पाएंगे और ये हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स नंबर ऑफ एटम्स इन एफ सी सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल फोर है कैसे फोर है देखिए वन बाय कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एट एटम्स कॉर्नर्स पर मौजूद हैं वन बाय टू कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ सिक्स एटम्स फेस सेंटर पर मौजूद है यहां से देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स वर्ड्स कितने मिलते हैं फोर मिलते, मिलते, मिलते हैं अरे वाह मजा आ गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल केस में नंबर ऑफ ओक्टाहाइड्रल वर्ड उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे जहाँ जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही ऑक्टाइडल वर्ड होंगे और इनका नंबर कितना होगा दोनों का नंबर कितना होगा फोर फोर होगा याद कर लो भाई इसको याद कर लो याद कर लो याद कर लिया है और जैसा यार एफ में मिलता है फेस सेंटर्ड में मिलता है वैसा ही एच में भी मिलता है वैसा ही एच में भी मिलता है एनसीआर में एच पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया है जिसको हमें एफ से ही रिलेट करना है एच में किस प्रकार से नंबर ऑफ टेट्राहेडल वर्ड्स मिलते हैं ओक्टा हेडल वर्ड मिलते हैं ये वैसे तो हमारी एन बुक में नहीं है हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहूंगा इतना तो आपके सिलेबस में है इतना तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से एफ में टेट्राहडल वर्ड ओक्टाइडल वर्ड मिलते हैं उसी प्रकार से एच में भी मिलते हैं कैसे मिलते हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा यार देखिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स किसके इक्वल मिलते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसी यहां देखिए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने मिलते हैं टू इंटू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एचसीपी जितने एटम्स मौजूद होंगे इसके डबल क्या होंगे टेट्राहेड्रल वर्ड्स होंगे यहां देखिए नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने मिलते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने मिलते हैं यहां भी यार यहां भी यार नंबर ऑफ ओक्टाहेड्रल वर्ड्स उतने मिलते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे एच सी पी में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये वाई है तो ये भी वाई होंगे ये वाई है तो टेट्राहेड्रल वर्ड टू वाई होंगे ये x है तो ये 2x हो जाएंगे ये x है तो ये कितने होंगे x होंगे क्लियर है तो यार ये कहानी थोड़ी सी मैंने रिलेट की है क्योंकि एनसीआर बुक में एक प्रॉब्लम दिया है इस कहानी पर बेस्ड अगर यार आप मुझे बोलेंगे कि सर एफ की हमें पूरी फील आ गई है एफ की पूरी फील आ गई है एफसीसी में कहां, -कहां पर टेट्राहेड्रल हेडल वर्ड ओक्टा वर्ड होंगे इसको हम जान गए हैं इसकी पूरी फील आ गई है यार आप इसके बारे में और बता दें ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बता सकता हूं अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर एच के बारे में भी बता दें रिक्वेस्ट करेंगे तो यार अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगा मैं आपको एच के, के केस में भी टेट्राहेड्रल और ओक्टा हेड्रल वर्ड किस प्रकार से विजुलाइज करने हैं ये मैं आपको बता दूंगा हमारे सिलेबस ये वाला पार्ट है लेकिन एक क्वेश्चन है जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसलिए मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दी किस प्रकार से टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉयड एचसीपी में मिलते हैं इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मुझे बताना होगा ठीक है तो बता देंगे आपको अब क्या करना है यार अब हमें कुछ क्वेश्चंस की बात करनी है ठीक है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जैसा कि आज तक हम करते आए हैं वैसा ही काम है यहां भी करना है छोटा सा प्रैक्टिस सेशन आपके लेकर आया के यार एआईपीएमटी 2012 में आ चुका है ट्राई करेंगे अरे देखते ही हो जाएगा हलवा है बिल्कुल देखिए द नंबर ऑफ ऑक्टाइड्रल वर्ड प्रेजेंट पर एटम इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी एफ की बात की गई है सीसीपी ही एफ का दूसरा नाम है यानी बात की गई है देखिए सी की और एफ की ठीक है ना इसकी बात की गई है तो पर एटम कितने ऑक्टाइडल वर्ड होंगे मुझे लगता है देखिए फोर ऑक्टाइडल वर्ड है जब फोर एटम्स वर्ड है, है. तो है, है और ऑक्टाइडल वर्ड उतने ही हैं जितने एटम्स हैं फोर ऑक्टाइडल वर्ड हैं एक बॉडी सेंटर पर और तीन कहा एज सेंटर पर क्लियर है अगर ऐसा है फोर ऑक्टाइडल वर्ड है कब जब फोर एटम्स है एक एटम होगा तो ओक्टाइडल वर्ड कितना होगा जस्ट इमेजिन एवरेज लेकर देखिए फोर है तो फोर है वन है तो वन है ना लेने पर तो वन ही मिलेगा यानी यार आंसर क्या आ जाएगा फोर के कोरस्पॉन्डिंग फोर एटम्स के कोरस्पोंडिंग अगर फोर ओक्टाइडल वर्ड मिलते हैं ये नंबर ऑफ एटम्स है जस्ट एवरेज लीजिए एक एटम होगा 4/4 एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आंसर क्या आ जाएगा यार वन आ जाएगा अरे बिल्कुल सिंपल है आगे देखिए यहां देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड सीसीपी एफसीसी की बात की गई है यानी सीसीपी की बात की गई है एक ही बात है द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयंस ठीक है जी 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट ए यानी जेड फोर ए टू प्लस कितना हो जाएगा वैसे तो यार ए टेट्राहेडल वर्ड्स होते हैं इन टोटल आप जानते हैं इन टोटल ए टेट्राहेडल वर्ड्स होते हैं आज के सेशन में बात कर चुके हैं देखिए इन टोटल होते हैं एट टेट्राहेड्रल वर्ड्स एट होते हैं जितने टेट्राहेड्रल वर्ड्स हैं इनका वन फोर्थ डाइवलेंट आयंस का नंबर है ठीक है जी यानी इनका वन फोर्थ ढाई <laughs> विलेंट आइंस का नंबर है ये नंबर टू है एंड ओक्टाइडल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल बी और ये नहीं दिया है कि वन फोर्थ होंगे वन बाय टू होंगे क्या होंगे तो हम क्या करेंगे यार मोनोवेलेंट का नंबर हम कंप्लीट मान लेंगे जितने ओक्टाइडल वर्ड है क्योंकि यहां ये तो मेंशन नहीं किया है कि कम ऑक्टाइडल वर्ड को ऑक्यूपाई किया होगा अगर ये मेंशन नहीं किया है तो हम सभी ओक्टाहाड्रल वर्ड्स में किसको मान लेंगे बी प्लस को मान लेंगे एफसी में जरा आप मुझे बताएं एफ में अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स और आयंस फोर हैं तो ओक्टाहाड्रल वर्ड्स भी कितने होंगे जितने एटम्स हैं उतने ही ओक्टाइडल वर्ड्स होंगे ये मामला आपको क्लियर है अगर यार ये क्लियर है तो आप मुझे यह बता दें वर्ड्स में तो कैटाइन मौजूद है एनायंस ने क्या किया होगा ओ ने क्या किया होगा ओ ने तो यार एफसीसी बनाई होगी तभी तो ये वर्ड्स में प्रेजेंट है तभी तो एफसीसी और सीसीपी की बात की गई है अगर ओ2 माइनस ने एफसीसी बनाई होगी तो एफसीसी के लिए जेड कितना होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जेड कितना होगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे आयंस कितने होंगे फोर होंगे कितने होंगे फोर होंगे तो देखिए यार यहां से क्या मिलता है ए2 मिलते हैं ए2 मिलते हैं बी4 मिलते हैं फोर मिलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या मिलेगा ए वन बी टू ओ टू सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू को कॉमन लेने पर इन सभी को टू से डिवाइड करने पर हमें देखिए फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड की बात करनी है क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है? नहीं दिया इसका मतलब है सिंपलेस्ट फॉर्मूला की बात करनी है तो ये इसका आंसर हो जाएगा अच्छा क्वेश्चन था मुझे तो यार मजा आया टेट्राहेड्रल ओक्टाहेड्रल नंबर ऑफ एटम्स का पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो पाया है इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई इन ए कंपाउंड एटम्स ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म सीसीपी एक यूनिट सेल की बात करेंगे सीसीपी और एफसीसी है इन वन यूनिट सेल अगर बात की जाए तो जेड कितना होगा जेड फोर होगा जिन्होंने यूनिट सेल बनाया है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे वाई के

या टेट्राइडल वर्ड्स होते हैं एट अगर ये फोर है एटम्स फोर हैं तो टेट्राइडल वर्ड्स एट है लेकिन देखिए सभी टेट्राइडल वर्ड ऑक्यूपाई नहीं किए केवल एट का थर्ड ही ऑक्यूपाई किए ठीक है तो जेड फोर एक्स कितना होगा एट का जितने टोटल टेट्राइडल वर्ड हैं इनका टू बाय थ्री यानी ये हुए सिक्सटीन बाई थ्री कितने हुए सिक्सटीन बाई थ्री हुए देखिए एक्स का नंबर है सिक्सटीन बाय थ्री ये हुए थ्री वाई का नंबर कितना है का का नंबर 4 है. Y का नंबर है है एक काम कीजिए दोनों को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो सिंपलेस्ट फॉर्मूला की बात करनी है तो यार इस फ्रैक्शन को हमें क्या करना होगा यहां से हटाना होगा तो क्या करेंगे इसको थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार इसको भी थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा इस प्रकार से एक्स सिक्सटीन Y 12 मिलता है एक काम कीजिए ये तो दोनों ही फोर से डिवाइड हो जाएंगे फोर कॉमन मिल जाएगा इन दोनों को फोर से डिवाइड कर दो 4, 4 जा 16, 4, 3 जा 12, तो यहां से देखिए सिंपलेस्ट मिल जाएगा अब कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है एक्स फोर वाई थ्री एक्स फोर वाई थ्री इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला ए आई ट्रिपली टू थाउजेंड एट में आ चुका है चलिए भाई टेट्राइडल बोर्ड का ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा था यूज कर लिया हमने नो no टेंशन यहां देखिए यहां यूज हो रहा था टेट्राहेड्रल वर्ड का कॉन्सेप्ट टेट्राहेड्रल हेड्रल वर्ड का कॉन्सेप्ट और यहां यूज हो रहा था ओक्टाहेड्रल हेड्रल वर्ड का कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस और एटम्स का कॉन्सेप्ट एफसीसी के केस में हमें इन तीनों की पूरी जानकारी होनी चाहिए ये लीजिए, ये आपके सामने अरेंजमेंट है <laughs> देखने से ही आपको अनुमान लग गया होगा ये उक्ता हाइड्रन की अरेंजमेंट है ये देखिए, इस प्रकार से उक्ता हाइड्रन बन रहा है ये उक्ता हाइड्रन वर्ल्ड की कोरस्पॉन्डिंग एटम सोर्स फियर्स की अरेजमेंट है यहां देखिए इस प्रकार की अरेंजमेंट होगी तो एटम्स और स्फीयर्स की ये है स्क्र अरेन्जमेंट ये सामने से प्लेस्ड है और वो पीछे से प्लेस्ड है तो क्या बन रहा होगा ओक्टाहाइड्रन बन रहा होगा यानी बात होगी ओक्टा हेड्रल वर्ड की चलिए फिगर को देखकर हमें यहां से ये अंडरस्टैंड हुआ ये बात हुई है ओक्टाहाड्रल वर्ड की द अरेजमेंट ऑफ एक्स माइनस आयस अराउंड ए प्लस यानी ए प्लस है ओक्टाहाड्रल वर्ड में ठीक है सी? इन्होंने क्या बनाया है एक्स माइनस ने क्या बनाया है ओक्टाहाइड्रन बनाया है और इसे क्या मिलता है इसे सोलिड ए एक्स मिलता है ठीक है जी यहां बोला गया है अगर कैटाइन वोइड में मौजूद हो तो इसका रेडियस क्या होगा अगर एनायन का रेडियस इतना है तो कैटाइन का रेडियस कितना होगा यार हम जानते हैं क्या जानते हैं आर प्लस बाय आर माइनस किसके लिए कितना जानते हैं जीरो पॉइंट फोर वन फोर अरे वाह ये यूज होगा जी हाँ ये यूज होगा आर माइनस यूज कीजिए टू हंड्रेड फिफ्टी है यहां से r प्लस फाइंड कीजिए r प्लस आपको मिल रहा होगा 104 के क्लोज कितना मिल रहा होगा 104 पिकोमीटर के क्लोज कैटाइन का रेडियस इतना मिल रहा होगा इसको सिंपलीफाई करने के बाद यानी ऑप्शन नंबर वन क्या हुआ राइट आंसर हुआ तो यार अगर आपने ये विजुलाइज कर लिया है कि ऑक्टाहेड्रोन है और यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड में a माइनस मौजूद है क्वेश्चन तो यहीं पर ही ढेर हो गया है. इसके बाद अगर आपको यह याद है तो फाइनल आंसर तक आप पहुंच जाएंगे तो इस प्रकार से फाइनल आंसर तक आप पहुंच पाएंगे क्लियर है अब यार एनसीआर टी प्रॉब्लम है ठीक है जो कि आपके लिए होमवर्क है आपके लिए होमवर्क है नेक्स्ट सेशन में इसे डिस्कस किया जाएगा ये प्रॉब्लम एक्सरसाइज में दी गई है बैक एक्सरसाइज में यह एक अनसोल्ड क्वेश्चन है जरूर ट्राई कीजिएगा उम्मीद है आप इसके फाइनल आंसर तक पहुंच पाएंगे इस सेशन में इतना ही लोकेशन ऑफ वर्ड्स में इतना ही ठीक है जी एफ़सीसी में वर्ड्स को हमने लोकेट कर लिया है अब वक्त आ गया है इस सेशन से अलविदा कहने का तो यार इस वीडियो को यहीं पर ही फिनिश करते हैं खूब सारी पढ़ाई करते रहिएगा हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा और यार बार बार पुराने जो भी चैप्टर्स आपके उनको भी रिवाइज करते रहिएगा इसके लिए आपको मॉड्यूल और डीपीपी जल्द ही मिल जाएंगे अभी थोड़ा सा मैं काफ़ी सारी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हूँ एंगेज हूँ जैसे ही एक दो दिन में फ्री हो जाऊँगा और तब आपको डीपीपीज़ और मॉड्यूल मिल जाएंगे इन द मेन टाइम डीपीपीज और मॉड्यूल पर काम चल रहा है ठीक है जी फिनिशिंग uh, हो रही है उसके बाद आपको डिलीवर हो जाएंगे टेलीग्राम पर तो यार टेलीग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लें अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ये हमारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है और ये टेलीग्राम ग्रुप है ये लिंक आपके सामने है यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच पाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर पहुँच पाएंगे और आपको एक्सेस मिल पाएगी प्यारे से कंटेंट की मटेरियल जहाँ से देखिए आप खूब सारी प्रैक्टिस कर पाएंगे चलिए यार आज के सेशन में इतना काफ़ी है बाय बाय टेक केयर लव यू